गाइस आप यूज करते विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों आप विंडोज 7 या विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके परेशान हो चुके हैं। दोस्तों विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10, तो दोस्तों ये जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल करते हैं या आप जब कंप्यूटर रिपेयर करवाते हैं तब वहाँ पे जो बंदा होता है वो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जो बोलते हैं विंडोज 7 या विंडोज 10 या विंडोज 8 को इंस्टॉल करके आपको दे देता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप विंडोज 7, विंडोज 10 इन दो तीनों में से एक भी सो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं करना है। दोस्तों एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है काली लिनक्स। तो दोस्तों उसका तीन पार्ट में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि दोस्तों जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो ISO फाइल है उसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा वीडियो आएगा कि उसका जो ISO फाइल को यूज करके किस तरीके से आप बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप एंड बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना कि न्यू वीडियो के दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड वीडियो के अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कंप्यूटर है वो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद किसी भी ब्राउजर को आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको सर्च बार में काली लिनक्स को टाइप करना है। जैसे गाइस आप काली लिनक्स को टाइप करके सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे सारी वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको kali.org का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है काली लिनक्स का उसे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं यह है काली लिनक्स का ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपका यहाँ पे इस तरीके का वेबसाइट ओपन होना चाहिए। दोस्तों आपको ये वेबसाइट इस तरीके का ये शो हो जाएगा आप जैसे ही टाइप करेंगे। दोस्तों आप इसे अपने मोबाइल में भी अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये जैसे कंप्यूटर में शो हो रहा है वैसे ही मोबाइल में शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हैकिंग के लिए यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका रीज़न ये हैकर लोग इसे क्यों यूज़ करते। तो दोस्तों इसके अंदर जो टूल हमें चाहिए, जो हैकिंग करने के लिए टूल चाहिए, वो सारे इसमें क्रिएट मिलते हैं। इसे आपको कोई भी टूल बनाने की नीड नहीं रहती है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो दोस्तों आप जितने स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। यहाँ पे मोबाइल के भी कुछ ISO फाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एप्पल है, Xiaomi है, सैमसंग है, LG है, नोकिया है, यहाँ पे सोनी के भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ISO फाइल। लेकिन हमें कंप्यूटर के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर का रिलीज ISO शो हो रहा है इमेज। तो दोस्तों अब यहाँ पे 32-bit, 64-bit एंड एप्पल का जो M1 चिप है उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिलीज इमेज का जो ऑप्शन है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से 32-bit, 64-bit एंड एप्पल का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 64-bit में यहाँ पे जो नीचे तीर है, एरो है डाउनलोड का, वहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं नीचे एरो वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा तो दोस्तों हमारा जो ISO फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके जो इंटरनेट है उस आपके पास 4GB इंटरनेट की जो नीड है वो होनी चाहिए। आपके पास 4GB इंटरनेट होना चाहिए, इतनी सुविधा आपको कर लेनी है कि आपके पास 4GB इंटरनेट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ISO पहले डाउनलोड करके रखा है। तो चलिए यहाँ पे जैसे आपका वो 4GB 3.6GB कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जो आपके डाउनलोड वाले ऑप्शन में होगा, जो ISO पहले वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों इसे मैंने पहले डाउनलोड करके रखा, यह काली लिनक्स का ओरिजिनल ISO फाइल।
तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कि इसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं 3.6 GB का यहाँ पे इसका साइज है। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे क्रिएट करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स।